पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं बुधमंगल <coughs> में समाज धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों अभी हम सुन रहे थे भजन हिम्मत ना हारिए प्रभु निसारिये हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए जीवन जीने की बहुत बढ़िया कला कभी भी अपनी हिम्मत को अपने साहस को कमजोर न करें जो आदमी हिम्मत छोड़ देता है वो लड़ाई लड़ने के पहले ही हार जाता है जो सूरवीर होता है बलवान वो लड़ता है लड़ाई में परिणाम जो भी हो हार हो जीत हो लेकिन वो लड़ता है और जिसकी हिम्मत कमजोर हो जाती है वो लड़ना छोड़ करके भाग जाते हैं लड़ने से तो मतलब किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है किंतु डट करके काम करना है कबीर साहब ने कहा है कर से काम मन से राम कहें कबीर सरे दो काम हमारा जो जीवन है दो तत्वों के मेल से बना है जैसे हमारा समाज दो तत्वों का मेल है स्त्री और पुरुष नर और नारी केवल स्त्री से बच्चे पैदा नहीं होते केवल पुरुष नहीं होते दोनों के संबंध से बच्चे होते हैं तब समाज बनता है आगे ऐसे ही हमारा ये जीवन है केवल जीव से जीवन नहीं बनता शरीर नहीं बनता और केवल जड़ तत्वों से मिट्टी पानी आदि से जीवन नहीं बनता शरीर नहीं बनता है दोनों का जब मेल होता है दोनों का संयोग होता है तो जीवन खड़ा होता है हर आदमी के पास जिसे जीव है और शरीर है ऐसे हर आदमी के पास तन है और मन है तन की जो भूख है शरीर की भूख उसके लिए भोजन चाहिए और मन की जो भूख है उसके लिए भजन चाहिए भोजन से मात्र शरीर की भूख दूर होगी शरीर को तृप्ति मिलेगी मन की भूख दूर नहीं होगी कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लो मन की भूख मिटने वाली नहीं है मन की भूख के लिए चाहिए भजन लेकिन भजन से तन की भूख दूर नहीं होगी उसके लिए चाहिए भोजन तो भोजन भी चाहिए और भजन भी चाहिए भोजन के लिए काम परिश्रम भजन के लिए चिंतन तो तन से काम मन से राम शरीर से परिश्रम परिश्रम करते हुए मन से चिंतन किसका चिंतन वास्तविकता का चिंतन शरीर की वास्तविकता दुनिया की वास्तविकता और अपने आत्मा की वास्तविकता का चिंतन करना होगा कबीर साहब जिस भजन की बात कहते हैं वह भजन ऐसा भजन है कि हर जगह हो सकता है हर जगह हो सकता है चलते फिरते हो सकता है काम करते हो सकता है खाते पीते हो सकता है हर समय जो आप बैठकर भजन करते हो सुबह शाम अकेले बैठकर उतना ही भजन नहीं है भजन तो सुबह से शाम तक किया जा सकता है हर समय सुबह से शाम तक काम धाम करते हुए जब आप भजन करेंगे ना तो भजन के लिए जब आप बैठते हैं तो भजन बढ़िया होगा इसी छत्तीसगढ़ की एक देवी कहती थी कि गुरुजी पहले मेरा मन पता नहीं बेकार बेकार बातें बहुत सोचता था कहाँ कहाँ की बिना मतलब की बातें सोचता रहता था उससे बहुत परेशानी होती थी चिंता भय तनाव होता था लेकिन अब मेरा मन बहुत बढ़िया हो गया है वो कहती थी मैं कुछ भी काम करती हूं भजन बनाती हूं झाड़ू लगाती हूं बर्तन मानती हूं कपड़ा धोती हूं तो हर समय कबीर साहब के कोई भजन या किसी दूसरे भजन या कबीर साहब की वाणी को मैं हल्के आवाज में गुनगुनाती रहती हूं तो जो हल्का गुनगुनाती रहती हूँ तो मन बेकार बात नहीं सोचता बाहर भटकता ही नहीं है अब मुझे बहुत शांति मिल गई अब बैठे हो रास्ता चल रहे हो मन ही मन भी कुछ सोच रहे हो कुछ ज्ञान की बातें तो कब मन कब भटक जाएगा पता चलेगा लेकिन अब बिल्कुल गुनगुनाएं इतनी आवाज़ में गुनगुनाएं कि आप सुन सकें तो बोलना भी होगा सुनना भी होगा मन से काम होगा तो मन भटकेगा नहीं रास्ता चल रहे हो रामायण की चौपाई याद है गीता के मंत्र याद है कबीर साहब की साखी याद है भजन याद है रास्ता चलते हुए हल्के बाद में गुनगुनाते जाओ बढ़िया भजन हो रहा है ये बेकार की बात मन में नहीं आएगी जब मन खाली हो जाता है तो कहाँ कहाँ की बातें यादें हैं कहा क्या आप रास्ता चल रहे हो खेत में ही काम कर रहे हो तन से काम और मन से गुनगुनाते रहो कुछ न कुछ कुछ गीत ही याद है उसी गुनगुनाते रहो ये देवियां भी भोजन बनाते समय या घर में अन्य काम करते हैं जो कुछ ही याद है अच्छी बातें गुनगुनाते रहें बढ़िया भजन हो रहा है हर समय भजन हो रहा है जब ऐसा हो जाएगा मन बाहर की बेकार की बातों सोचना बंद कर देगा तब अकेले बैठकर जो भजन करते हो वो भजन तब हो पाएगा और काम करते समय रात चलते समय आपने मन पर ध्यान नहीं दिया तो अकेले बैठकर जो भजन करते हो ध्यान करते हो समय बीत जाएगा वो भजन का काम नहीं हो पाएगा भजन करने के लिए आपको कामधाम छोड़ना नहीं पड़ेगा कि आप कामधाम छोड़ दो तभी भजन होगा वो तो कभी होता है काम करते करते कबीर साहब ने जो भजन करने को बताया है कबीर साहब की जो सहज साधना वो यही है हर समय हर समय मन को देखते रहो बेकार बात ना सोचे मन सोचना तो है ना तो अच्छी बात सोचें अच्छी गलत बात सोचने में जितनी ताकत लगती है उसी ताकत से आप अच्छी बात सोच सकते हो जिस मुंह से आप किसी की निंदा कर रहे हो और निंदा करने में जितनी ताकत लग रही है, उसी मुंह से आप किसी की प्रशंसा कर सकते हो निंदा करने से मन कैसा बनेगा और प्रशंसा करने से मन कैसा बनेगा आप सोच सकते हो जिस मुंह से आप जिस जवान से आप गाली देते हो किसी को उसी जवान से आप दूसरों से प्रेम से बात कर सकते हो जिस जबान से आप कटु बोल करके काम करते हो उसी जबान से आप प्रेम की बात करोगे ताकत बराबर लगेगी दोनों में लेकिन परिणाम अंतर आ जाएगा गाली देने की आदत थी गुस्सा करने की आदत थी कटु बोलने की आदत थी इस आदत को बदल करके अब प्रेम से बोलते हैं शांति से बोलते हैं सहन करके रहते हैं भजन हो गया बढ़िया भजन और ये भजन कहीं भी हो सकता है कभी भी हो सकता है साहब कहते हैं तन से काम मन से राम शरीर से मेहनत मेहनती आदमी को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है जो आवश्यकता होती है सब चीज मिल जाती है अगर जो मेहनत तो नहीं करता वो तो कमी कमी रहेगी हाँ दो चीज से बचना होगा आपको और दोनों चीज आजकल बहुत बढ़ गई है मेहनत करें फिजूल खर्ची से बचें देखा देखी खर्चा ना करें आप देखिए कि आपका आवश्यकता आप क्या है कितना आपका काम जाए पड़ोसी के पास ऐसा है तो हमारे पास भी ऐसा हो फिजूल खर्ची आप करोगे तो जिंदगी में इस सदैव गरीबी में जीना हो जाएगा अब मन उदास, उदास 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 बना रहेगा दूसरी बात आप दूरव्यसन से बचो दूरव्यसन से चक्कर में पड़ गए तो आधी से अधिक कमाई तो दूर्व्यसन में चली जाएगी और आजकल ये दोनों चीज़ फैशन और व्यसन जब आधुनिकता ज़माना है जितने लोग पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं उतने फैशन बढ़ता चला जा रहा है रोज रोज नया नया फैशन अब फैशन तक रुकता आदमी तो ठीक था व्यसन इतना व्यसन इतना व्यसन क्या कहा जाए अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जो आबादी है इस आबादी में जितनी शराब बिकती है यदि अंदाजा लगाओगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है अन्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाएगा नंबर में आबादी के हिसाब से जो बिक रही है उसमें से फायदा क्या है बर्बादी के अलावा पढ़े लिखे लोग और आजकल जो बैसना लोग थे उनमें भी और कितने कैरपंथी कहलाने वाले लोग भी बाहर ऐसे कैरपंथी और भीतर में शराबपंथी बाहर का साहब हम तो कैरपंथी है होटल में गए होटल में गए तो मुठ अंडा सब साफ कर गए तो ये इतना बढ़ गया है हद हो गया है अरे अपने जीवन को सुख से जीना है अपने साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो जो भी आदमी चाहे गुटखा खाता हो चाहे तंबाकू खाता हो चाहे बड़ी सिगरेट पीता हो या शराब आदि पीता हो अपना दुश्मन वो आदमी खुद बना हुआ है लेकिन अब करोगे क्या पढ़े लिखे लोग हैं जितने पढ़े लिखे लोग बिगड़े हैं ना अनपढ़ नहीं बिगड़े हैं तो कर से काम मन से राम शरीर से परिश्रम सेवा और मन से भजन आत्मचिंतन व्यवहार का काम बढ़िया बनेगा और कल्याण का काम बढ़िया बनेगा यह मानव जीवन क्यों मिला है मानव जीवन के दो उद्देश्य हैं मोक्षार्थ जगत हित आत्मा का कल्याण और समाज की सेवा इसी में साक्ता है इस जीवन की देखो दो चीज तीन चीजें होती है एक होती है मजबूरी जिसे किए बिना काम चले गए नहीं एक होती है मजबूरी दूसरी होती है जिम्मेदारी कर्तव्य और तीसरा है उद्देश्य खेती करना नौकरी करना व्यापार करना या कोई कामधाम करना मजबूरी है क्यों बिना खाए जीवित नहीं रह सकते खाना तो पड़ेगा और बिना काम किए अन्न भोजन नहीं मिलेगा तो खेती नौकरी व्यापार करना ये उद्देश्य नहीं है जीवन का मजबूरी है दूसरी जिम्मेदारी आप परिवार में रहते हो माता पिता हैं पति पत्नी हैं बाल बच्चे हैं या अन्य लोग हैं उनकी सेवा करना जिम्मेदारी है कर्तव्य है माता पिता ने जन्म दिया पाला पोथली खाया बढ़ा तो उनके बुढ़ापे उनकी सेवा करना एक जिम्मेदारी है कर्तव्य है उद्देश्य क्या है आत्मकल्याण न तो मजबूरी को छोड़ना है न कर्तव्य को छोड़ना है और न ही आत्मकल्याण को लेकिन आत्मकल्याण को तो आदमी भूल ही गया है कोई संत यह नहीं कहते कि आप खेती नौकरी व्यापार का काम ना करो कोई नहीं कहता तो तो कहते हैं डट करके करो डट करके करो और ऐसा काम करो कि पूजा समझ करके करो कर्म का फल तो सामने आएगा इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो कुछ करो तो पूजा हर काम को पूजा समझो पछतावा ना हो एक उदाहरण याद आता है एक बड़ा बढ़िया इंजीनियर था सिविल इंजीनियर मकान बनाने का काम करता था एक राजा के यहाँ काम करता था काफ़ी समय बीत गया तो इंजीनियर ने राजा से कहा राजा साहब अब मेरी उम्र हो गई है शरीर थकने लग गया है अब आप मुझे छुट्टी दे दें राजा ने कहा अरे अभी तो, तो कुछ दिन और काम करो तो ने कहा हुजूर अब काम करने लायक स्थिति नहीं रह गई है, छुट्टी दे दें तो राजा ने कहा कोई बात नहीं तुम छुट्टी लेना ही चाहते हो तो ऐसा करो छुट्टी लेने के पहले इस्तीफा देने के पहले एक मकान और बना दो अब बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बहुत बढ़िया मकान बनवाता था उसके बनाए मकान की बड़ी प्रसन्नता होती थी तो इंजीनियर ने कहा राजा ने कहा इंजीनियर से कि इस्तीफा देने काम छुट्टी लेने के पहले एक मकान बढ़िया दो बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना पैसे की कोई कमी नहीं होगी पैसे चिंता मत करना लेकिन मकान बढ़िया बनना चाहिए कहा ठीक है हुजूर राजकोट से पैसा निकला अंतिम मकान था इंजीनियर के मन में खोट आ गया आजकल जानते हो इंजीनियर कैसे मकान बनाते हैं या कैसे सड़क बनवाते हैं आजकल तो ऐसी ऐसी सड़क बनती है कि छह महीने में जैसे आराम हो जाता है छ महीने में गड्ढे ऐसे ऐसे पुल बनते हैं कि एक बरसात भी वो पुल सहन नहीं कर पाता तो इंजीनियर मन में खोट आया पैसा बचाता गया घटिया सामान लगाना शुरू किया दो नंबर का मकान बनकर तैयार हुआ प्लास्टर करवा दिया बढ़िया रंग रोगन बढ़िया करवा दिया बढ़िया पेंट करवाया बढ़िया चित्रकारी कलाकारी सब करवाए मकान देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन मटेरियल तो घटिया लगा था मकान जब बनकर तैयार हो गया तो इंजीनियर राजा साहब का कहा राजा साहब मकान बनकर तैयार है देख लें तो मकान का उद्घाटन समारोह रखा गया बड़े बड़े लोग आए चूंकि राजा का मकान था बड़े बड़े मंत्री से पता बड़े बड़े सेठ साहू सब आए जिसने मकान को देखा कारीगर देखा वो सब खुश वाह भाई कितना सुंदर मकान बना है अद्भुत सब इंजीनियर की प्रशंसा करने लगे उद्घाटन तो हो गया सब कुछ हुआ तो राजा इंजीनियर को बुलाया और कहा तुमने हमारे राज्य की राज्य की जनता की बहुत सेवा की अनेक बढ़िया बढ़िया मकान बना करके अब तुम छुट्टी ले रहे हो तो ये जो तो तुमने तुमने जो तो मकान बनाया है ये मकान मैं तुम्हें दे रहा हूँ हूँ जनता उड़ते पुरस्कार के लिए लीजिए अब तो आप वो पछताए कि रोय हंसे कि रोए वो तो मालूम है कि मकान घटिया बना हुआ है वो एम सोच रहा है यदि मुझे पहले पता होता कि मकान मुझे मिलने वाला है तो इतना मजबूत बनाता तो क्या कहना लेकिन अब वो तो घटिया बनाया है सामग्री इसलिए भाई हर काम को जो भी काम करना है समझो कि ये मेरा अंतिम काम है और अंतिम काम को बढ़िया से बढ़िया करना होगा पता नहीं कल काम करने का अवसर आया ना आए जो अपने काम को बढ़िया से बढ़िया नहीं कर सकता वो आदमी पूजा भी क्या करेगा साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा हर काम को समझो पूजा हर काम पूजा है और अंतिम काम समझ करके करो ताकि पछतावा ना हो परिणाम तो आएगा अंत में परिणाम आना ही है सुबह बात आई थी परिणाम आएगा परिणाम में पछताताप ना हो जो भी करेंगे आप आदमी तो परिणाम आएगा एक दूसरा उदाहरण महात्मा देते हैं एक राजा राजा ने अपने तीन सिपाहियों को बुलाया और एक एक बड़ा बड़ा थैला दिया और कहा अपना अपना थैला लेकर मेरे बाग में चले जाओ राजा का बाग क्या राजा जाता था या राजा के परिवार वाले जाते थे बाकी को जाने की अनुमति नहीं थी बाग में बहुत बड़ा बाग कई फल हुआ सब फूल लगे थे राजा ने सिपाहियों से कहा ये थैला लो अपना अपना और मेरे बाग में जाओ बढ़िया बढ़िया फल है फूल है सब जो तुम्हें पसंद हो चुन चुन कर अपना अपना थैला भरना और भर कर थाम कर मेरे पास आना तीनों सिपाही गए पहले घूमे और घूम घूम करके देखते रहे कहाँ पर गा? एक सिपाही ने घूमने पश्चात चुन चुन करके मीठे और ताजे फल थैला में भरना शुरू किया पूरा थैला मीठे और ताजे फलों से भर लिया दूसरे सिपाही ने थैला भरा तो कुछ कच्चे फल कुछ गिरे हुए फल कुछ सूखे फल कुछ सड़े फल फल लिए और ऊपर में ताजे फल भर लिए तीसरे सिपाही सोचता है कि फैल यदि थैला को बहुत इतना बड़ा थैला है फल से ही यदि भर लूंगा तो उठाने में कितना वजनदार होगा और राजा साहब थैला पलट कर देखेंगे थोड़े तो उनके फुर्सत कहाँ है थोड़ी सी घास भर दिया नीचे में थोड़ी कुछ पत्तियाँ भर लिए कुछ लकड़ी के कुछ टहनियाँ भर दिए ऊपर में थोड़ा बहुत कुछ फल भर लिया तीनों का थैला भर लिया अपना अपना थैला लेकर तीनों राजा के पास आए राजा ने पूछा क्या तुम लोगों ने अपना अपना थैला भर लिया सिपाहियों ने कहा हां हुजूर देख लीजिए थैला सामने रखा हुआ है थैला भर लिया है तो राजा ने अपने मंत्री से कहा तीनों सिपाहियों को जेल की एक एक कोठरी में एक महीना के लिए बंद कर दो अलग अलग कोठरी तीन कोठरी तीनों को तीन कोठरियों में बंद कर दो बाहर से ताला लगा दो एक महीना तक और जिसके थैला में जो भरा है वो खाए वही व्यक्ति खाएगा उसको खाने कोई कोई बाहर से मिलेगा नहीं अब सोचो क्या हालत हुई होगी जो ताज़ा ताज़ा फल भरे थे मीठे फल वो तो एकदम मस्त स्वस्थ हो गया जो कुछ खट कुछ सड़े फल और कुछ कच्चे या फल भरते वो तो एक सप्ताह में बीमार हो गए और जो कुछ घास भरे थे लकड़ी भरे वो क्या हुआ एक सप्ताह भर में जैसे आराम हो गया तीनों थैला भरने के लिए स्वतंत्र थे और तीनों को अपने अपने थैले का फल खाना पड़ा ये उदाहरण है प्रकृति ने कहो कुदरत ने कहो परमात्मा ने कहो जो आप जो शब्द का प्रयोग हो आप शब्द प्रयोग कर लो पूरी प्रकृति ने ये साढ़े तीन हाथ का थैला सबको दिया है बराबर क्या भरना चाहते हैं स्वतंत्र है आप ये पूरा संसार एक बाग है हमारा शरीर एक थैला है हमें ही भरना है मर्जी आपकी लेकिन जो भरोगे उसका फल आपको ही मिलेगा इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करने की आवश्यकता साहब ने कहा है फूल रहन की टोकरी घोड़े खाया घी ये जीवन कैसा है मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है फूल जानते हैं आप कितने सुंदर लगते हैं सुबह सुबह किसी फुलवारी में जाएं और खिले हुए फूलों को देखें ताजा खिले फूलों को मन मुग्ध हो जाता है देख करके फूल खिले हुई फुलवारी को देखकर खिले हुए फूलों को देखकर किसका मन मगन नहीं होता होगा तो साहब कहते ये जीवन फूल रखने की टोकरी है और हमारी भारतीय परंपरा में बढ़िया रिवाज है जब हम आदमी मंदिर जाता है पूजा करने के लिए तो फूल लेकर के जाता है संतोष मिलने के लिए जाता है से मिलने के लिए जाता है बंदे करने जाता है तो फूल भेंट करके बंदगी प्रणाम करता है भेंट करता है क्यों किस लिए आप मंदिर में फूल चढ़ाते हो मूर्ति पर फूल चढ़ाते हो गुरु को फूल चढ़ा करके गुरु को फूल दे करके प्रणाम करते हो को फूल देकर प्रणाम करते क्यों कहते हो किस लिए करते हो कर तो रहे हैं बस देखा देखी करते जा रहा है एक संदेश ही के पीछे संदेश को हम समझने का प्रयास नहीं करते पकड़ नहीं पाते बस बाहर देखते देखते रह जाते हैं देखो फूल खिले हुए होते हैं फूल कोमल होते हैं फूलों में कोई गांठ नहीं होती कहीं भी गांठ नहीं होती फूल में और फूलों में सुगंध होती है अन्य भी विशेषताएं हैं लेकिन फूल कोमल होते हैं गांठ रहित और सुगंधित मंदिर में फूल चढ़ाने का आप भगवान मानकर फूल भेंट करते हो गुरु को फूल भेंट करते हो इसके पीछे संदेश है यही है कि हे भगवान हे गुरुदेव मैं आपको ये फूल भेंट कर रहा हूँ फूल देकर आपको प्रणाम कर रहा हूँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे ऐसा ज्ञान दे दो कि मेरा जीवन भी इस फूल के समान कोमल गांठ रहित तो और सुगंधित बन जा बस भेंट करना सार्थक हो जाएगा लेकिन कभी सोचा आपने मन में तो अहं कठोरता है स्वार्थ और स्वार्थ रख करके मन कभी खिला हुआ नहीं होगा स्वार्थ रख करके कभी आप प्रसन्नता से जीने सकते हो स्वार्थ जहां होगा वहां कठोरता आएगी क्रूरता आएगी छल कपट आएगा और जीवन बुजुर्ग होता चला जाएगा एक स्वार्थ होता है मनुष्यता का एक स्वार्थ होता है पश्चता का स्वार्थ मनुष्यता का जो स्वार्थ होगा उसमें आनंद होगा पश्चता का स्वार्थ जो होगा उसमें क्लेश होगा पेट भर जाएगा लेकिन जीवन बर्बाद हो जाएगा मनुष्यता का स्वार्थ है बांट करके खाना पश्चता का स्वार्थ है छीन करके खाना छल करके खाना कुत्तों के बीच में रोटी डाल दो छीन करके लड़ करके खाते हैं आदमी यदि समझदार है तो बांट करके खाएगा आदमी लड़ रहा है रोटी के लिए लड़ रहा है पैसा के लिए लड़ रहा है मकान के लिए लड़ रहा है जमीन के लिए लड़ रहा है तो कुत्ता और आदमी में फर्क क्या है फिर किसी आदमी कुत्ता कहना अपमान करना है उसका आदमी गुस्सा में हो जाएगा लेकिन सोचना यह है यदि मैं रोटी के लिए धन के लिए जमीन के लिए मकान के लिए मठ के लिए लड़ाई कर रहा हूं किसी के साथ धोखाधड़ी व्यवहार कर रहा हूं तो कुत्ते में मुझ में अंतर क्या है फिर सुखी कैसे जी जो ये पुस्तक का स्वार्थ काम करो मार कर करके खाओ आग अभी पेट भरेगा अब खिला करके तो खाओ आपको भी खिलाने वाले मिल जाएंगे कहानी जो कही जाती है कहानी से बात को समझने में सरलता होती है देवता और दैत्य का नाम आपने सुना होगा कहते हैं कि देवता और दैत्यों में लड़ाई हमेशा चलती थी एक बार दैत्यों ने विष्णु से शिकायत की कि हम भी आपके भाई हैं लेकिन आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं हमारी बात नहीं सुनते एक बात याद करा दो देवता और दैत्य सगे भाई थे पिता एक माता अलग अलग सौतेले भाई आप कह सकते हो लेकिन पिता तो एक ही है दोनों के दैत्य मतलब कोई काला कलूटा बड़े बड़े हाथ पर ठीक जा कुछ नहीं हो आदमी है वो भी पहले जमाने में बेटे का नाम माँ के आधार पर रखा जाता था पिता के आधार पर नाम नहीं चलता था आजकल पिता के नाम के आधार पर बेटे का नाम चलता पहले माँ के नाम पर कश्यप ऋषि की दीति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए थे वे दैत्य कहलाए दीति से दैत्य अदिति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए थे वे आदित्य कहलाए आदित्य देवता होता है आप पुराण पढ़कर जिसे जान सकते हैं साफ लिखा वहां पुराणों में तो देवता और दैत्य जैसे कौरव और पांडव भाई भाई थे ऐसे ही देवता और दैत्य भाई भाई थे कौरव पांडव में पिता अलग अलग हैं पांडव पिता पांडु थे पांडु थे और कौरव पिता थे थे लेकिन वहां दोनों के पिता एक है माँ अलग अलग लेकिन जैसे आज लड़ाई होती थी पहले लड़ाई होती थी तो दैत्यों ने विष्णु से शिकायत की विष्णु देवताओं के पक्ष के थे देवता ही थे वो भी कि हम भी आपके भाई हैं लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते देवताओं को पछ लेते हैं इसलिए हमारी हार होती है देवता आगे बढ़ जाते हैं बितनू ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है देवताओं में आपस में सुमति है संगठन है एकता है देवता बांट करके खाते हैं मिल करके खाते हैं इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं अब तुम लोग तुम लोगों में सुमति नहीं कुमति है एकता नहीं फूट है तुम अपना अब, स्वार्थ देखते हो खुद को देखते हो बांटकर खाने के तुम्हें रिवाज ही नहीं है लिहाज होते हैं देवता ने देवताओं ने कहा हम आपकी बात नहीं मानते विष्णु ने कहा कि मैं परीक्षा करवा दूंगा कुछ दिन समय बीता एक विष्णु ने एक भोज का आयोजन किया देवताओं को भी बुलाया दैत्यों को भी बुलाया और दोनों आए भोजन समय हुआ तैयार हुआ भोजन समय हुआ विष्णु ने कहा देखो जगह थोड़ी है सभी लोग एक साथ नहीं बैठ सकते इसलिए चाहे देवता पहले बैठे चाहे दैत्य पहले बैठे दैत्यों ने कहा हम पहले बैठेंगे कि देवता पहले बैठ गए, बढ़िया बढ़िया माल खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा फिर इसलिए हम पहले बैठेंगे विष्णु ने कहा कोई बात नहीं दैत्य बैठ गए पंक्ति बना कर के परसा गया अनेक प्रकार के व्यंजन बने थे पकवान बने सब पसा गया भोजन का समय हुआ तो विष्णु ने कहा देखो भोजन करना है लेकिन बिना हाथ मोड़े भोजन करना है सबके हाथ में यहाँ से हाथक डंडा बांध दिया अब खाना है तो हाथ मोड़ना पड़ेगा ना बिना हाथ मोड़े तो भोजन जाएगा नहीं लेकिन सबके हाथ में डंडा बांध दिया गया दोनों हाथ में अब खाएं कैसे भाई चक्कर में पड़ गए तो उठाते तो थे और ऐसे चीजें हाथ ऐसे फेंकते थे तो कभी आंख में कभी कान में कभी माथे में कभी कोई मुख में पड़ जाता था समय बीत गया सब समा पकवान व्यंजन सब खराब पेट किसी का भरा नहीं उठ गए सफाई हुई देवता लोग बैठे देवतों ने कहा देखो इनके हाथ में डंडा बांधना पड़ेगा विष्णु का हाथ जरूर बांधा जाएगा देवता बैठ गए सामग्री व्यंजन पकवान आए परोस दिए दे गए देवताओं के हाथ में भी डंडा बांध दिया गया तो देवताओं ने क्या कर? उठाया सामने वाले सीधे खिला दिया अपना खा तो हाथ मोलना पड़ेगा ना सामने खिलाने के हाथ में नहीं मोलना पड़ेगा तो खिला करके खाओ आपको भी खिलाने वाला कोई मिलेगा तो स्वार्थ स्वार्थ वह है जो छीन करके खाया जाता है ये पस्ता का स्वार्थ का स्वार्थ है जो बांट करके खिला करके खाया जाता है खिलाने वाले को भी खिलाने वाले मिल जाएंगे तो जितना स्वार्थ होगा उतनी कठोरता आएगी अब फूल कोमल होते हैं फूल चढ़ाते हो ना यह स्वार्थ की कठोरता आगे आ गई अहंकार की कठोरता आ गई तो फूल से सुगंध नहीं निकलेगी दुर्गंध निकलेगी फूल में गांठ नहीं होती है कहीं भी गांठ नहीं होती फूल में ऐसे अपने मन को गांठ रहित बनाना है ईर्षा की गांठ बैर की गांठ विरोध की गांठ घृणा की गांठ राग द्वेष की गांठ लोभ मोह की गांठ छल कपट की गांठ कैसी कैसी गांठ पड़ी हुई है मन में कभी देखते हैं ये मन की जो गांठें हैं इन मन की गांठों को खोल लेना गांठ रहित मन कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड बस जीवन फूल के समान हो जाएगा अब कॉम्प्लेक्सेस है मन में गांठें ग्रंथियां हैं मन में कहाँ से सुगंध निकलेगी जिसके मन में कोई कम्प्लेक्स नहीं है कोई गांठ कोई ग्र... नहीं है जीते जी वैकुंठ जी जी वास वैकुंठ का अर्थ ही होता है कुंठारहित मन कंप्लेक्स फ्री माइंड या जहाँ बैठे हैं तरदा गोंदी की जमीन पर यदि मन में कोई गांठ नहीं है तो यही वैकुंठ का वास है तो फूलों में गांठ नहीं होती है ऐसे अपने मन में कोई गांठ ना रखना यह भगवान की पूजा है यह गुरुगतली पूजा है जीवन फूल के समान हो जाएगा और फूल में सुगंध होती है उज्जवल चरित्र पवित्र आचरण शुद्ध कर्म जितना जितना हमारा चरित्र उज्जवल होता जाएगा जितनी विनम्रता आएगी सरलता आएगी निष्कप्रता आएगी कर्म जितने पवित्र होते जाएंगे वो सुगंध निकलेगी आचरण की जो अपने आप फैल जाएगी सदैव याद रखिए आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है पूजा चरित्र की होती चित्र मतलब इस चेहरा तो पूज पूजा चित्र की नहीं होती है पूजा चरित्र की होती है आदमी के करियर की पूजा नहीं होती है पूजा कैरेक्टर की होती है कैरियर बढ़ाते चले जा रहे हो कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं है पर नाम क्या होगा सोच ले कैरियर बने या ना बने कैरेक्टर बना ले चेहरा सुंदर बना बने या ना बने चित्र सुंदर बने या ना बने चरित्र को सुंदर बना ले फोटो खिंचवाने तो जाते हो तो कहते हो फोटोग्राफर बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचना और चरित्र का ठिकाना है तो फूल जब हम अर्पित करते हैं मंदिर में मूर्ति को या गुरु को इसका अर्थ ही होता है फूल भेंट करके मन ही मन एक प्रार्थना करो कि हे भगवान हे गुरुदेव जैसे मैं आपको फूल अर्पित कर रहा हूँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा जीवन भी फूल के समान कोमल गांठ रहित और सुगंधित बन जाए बस जीवन सार्थक हो जाएगा फिर सब फिर हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिये जैसा आ जाएगी और जब तक मन कोमल नहीं बनेगा गांठ रहित नहीं होगा और जीवन से सुंदर नहीं निकलेगी कहां हंसना कहां मुस्कुराना कहाँ आनंद तो हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए इसके लिए साहब कहते हैं कर से काम मन से राम कहें कबीर शरीर दो काम मेहनती बने मेहनत करता है अपना अपना भी पेट भरना है और जो बन सके लोगों की सेवा कर देना है और अंतिम में राम भजन आत्मचिंतन सोचे कि साथ में क्या जाने वाला है कोई नहीं जाए साथ में अपना आप आ जाएगा उस राम के लिए जिसके कारण से शरीर जीवित है क्या कर रहे हैं मैंने कहा था तन की जो भूख होती है वो भोजन से दूर होती है उसके लिए तो आप परिश्रम कर ही रहे हैं किसी को बताना नहीं पड़ता है लेकिन मन की भूख इसके लिए क्या कर रहे हैं दुनिया का बड़स बड़े ऐश्वर्य पा जाएंगे मन की भूख दूर निमिटेगी उसके लिए भजन ही करना होगा चाहे राजा हो तो भजन करना है रंग हो तो भजन करना है और भजन करने के लिए कहीं जाना नहीं है जहां है वहीं अच्छी बातों में अच्छे विचारों मन को लगाकर रखना अपने आत्मा चिंतन करते रहना पवित्र विचार सहित चिंतन ये बढ़िया भजन है ऐसा जब हो जाएगा तब तो बैठकर जो भजन करेंगे वो भजन बढ़िया हो जाएगा इसलिए जहाँ हैं घर परिवार में जहाँ रहते हैं प्रेम का व्यवहार प्रेम का सेवा कुदारता का व्यवहार करें बिना प्रेम से उदारता के गृहस्थी सुखद नहीं बनेगी सबके साथ प्रेम सबके साथ चीजों का महत्व ना दें चीजें तो आती है जाती है लोगों साथ व्यवहार का महत्व ध्यान दें चीजें बिगड़ती है बन जाएगी और मन बिगड़ गया तब उससे बनने में बहुत मेहनत लग जाएगी इसलिए चीज का घाटा होता है होने दें चीज बिगड़ते भीगाड़ बिगड़ने दें आपस के प्रेम को आपस के व्यवहार को न बिगड़ने दे प्रेम का घाटा असली घाटा है मन का जो घाटा है यह असली घाटा है अब यह घाटा समझ में नहीं आता ये घाटा उसके समझ में आएगा जो भजन कर रहा है तो शरीर के लिए भोजन और मन के लिए भजन बस साहब तन से काम मन से राम फिर जीवन सार्थक हो जाएगा प्रेम सेवा समता का व्यवहार अंत में आत्मचिंतन पवित्र मन और पवित्र मन से पवित्र विचार ऐसा करते रहेंगे तो बाहर का दुख खत्म हो जाएगा भीतर का दुख खत्म हो जाएगा और जिसके लिए कहा गया है कि मानव जीवन भवसागर तरने के लिए मिला है वो भवसागर तरना भी भवसागर कहीं बाहर नहीं है हमारे मन की जो गंदगी है ये गंदगी ही बहुत सागर है जिसने अपने मन की सारी गंदगी को दूर कर लिया सेवा साधना भजन द्वारा उसके लिए बाहर उसके लिए बहुत सागर समाप्त हो गया स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ ये काम करने सब स्वतंत्र हैं जितना समझ पाते हैं समझें और समझ करके प्रेम का सेवा का समता का आदर का व्यवहार करते हुए मन को अच्छा सा च पवित्र बना करके रखने रखें रखें आत्मचिंतन में लगा कर रखें ये जीवन सार्थक हो जाएगा भौसागर पार हो करके आत्मकल्याण की प्राप्ति हो जाएगी और फिर सदा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा तीन दिनों का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है संतों ने गुरुजनों ने जो बातें बताई मनन करें चिंतन करें चिंतन करके मनन करके उस दिशा आगे बढ़ने का प्रयास करें आप लोग सब भाग्यशाली हो अब कल से कोरोना काल से काम लग, काम कामधाम बंद होने वाला है आप लोग सब भाग्यशाली लोग काम पूरा हो गया इसलिए लेकिन जो कुछ सुना गया है मनन चिंतन करके भजन करें भजन करके आत्मकल्याण का काम करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरु की जय